आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ये जो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, उसका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन का, और एग्ज़ाम कब होगी, कौन सी परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी और कौन से ग्रुप की परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन और टॉपिक दिए जाएंगे, जिससे पढ़कर आप लोग आसानी से यह एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा कब से होगी, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से, मतलब 1 जनवरी से आपका प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से, ठीक। तो इसमें देखिए 16 मार्च तक भर सकेंगे आप लोग फॉर्म, 16 मार्च तक आप लोग यह फॉर्म भर सकेंगे, 26 और 27 अप्रैल को होगी परीक्षा। तो आपकी जो परीक्षा होगी वह 26 और 27 अप्रैल को होगी और 16 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आइए देखते हैं जो सचिव हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है राजकीय अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वह 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी से जो आपका न्यू ईयर आने वाला है। अभ्यर्थी जो है वह 16 मार्च तक वेबसाइट www.jeecup.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। तो जो मेन वेबसाइट है वह यह है। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे संबंधित तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा www.jeecup.nic.in पर, ठीक। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने शुक्रवार को आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया, ठीक। अब इसमें इस साल कुछ परिवर्तन भी हैं, उसमें देख लेते हैं क्या परिवर्तन हुआ। उसमें परिवर्तन यह हुआ है एक साथ भर सकेंगे 3 फार्म, जैसे आप लोग 3 ग्रुप में फार्म भर सकते हैं। ये देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप में। यहाँ देखिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव जो है वह SK बैस ने बताया कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी एक साथ 3 कोर्सों में आवेदन कर सकेंगे। अभी तक केवल 2 कोर्सों में ही आवेदन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत ग्रुप ए ई में एक एक और BCDFGHIK में से कोई एक, मतलब हर ग्रुप से आप एक एक ग्रुप से आवेदन कर सकते हैं, ठीक। किसी एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा आवेदन फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं एग्ज़ाम कब से है आपका। ग्रुप ए जो एग्ज़ाम होगा वह ऑफलाइन होगा 26 अप्रैल को सुबह 9 से 12 बजे तक, ठीक। और ग्रुप ई ऑफलाइन होगा और ग्रुप ई आपका ऑफलाइन ही होगा 26 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। और जो आपका ग्रुप VCDFGHI है यह ऑनलाइन कराया जाएगा, वो भी 27 अप्रैल को सुबह 9 से 12:30 तक। और ग्रुप K1 से K8 तक भी जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन ही होगा, जो कि होगा एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक, ठीक। आइए एक नज़र इधर भी डाल लेते हैं कि कितने पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। आपकी जो टोटल पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं वह 1296, जिसमें से राजकीय संस्थान 150 हैं, अनुदानित मतलब एडेड जो हैं वह 19 हैं और प्राइवेट टोटल 1127 हैं, ठीक। अब कोर्सों की संख्या आपकी 66 है, जिसमें कुल सीटों की संख्या आपकी बनाई गई है 240,639। तो देख लेते हैं आवेदन आप लोग कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुसूचित जाति जो है उनके लिए 200 रुपये है और सामान्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के लिए 300 रुपये शुल्क की मांग की गई, 300 रुपये लगेगा। आवेदन शुल्क जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के किसी भी बैंक की शाखा में चालान या नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड से जमा किया जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर है आप लोग किस प्रकार से जमा करेंगे। तो ये था आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ, ठीक। अब यहाँ पर ग्रुप ए और जो ई की परीक्षाएँ वही केवल आपकी ऑफलाइन होंगी और सभी जो परीक्षाएँ होंगी वह आपके ऑनलाइन कराई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन।